वंदे गुरुपदवंदनम् भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिकाचरणोदयं गोपीजनसमाजुक्तं वृन्दावनमनोहरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले सचिनंदन से गौर हरि की जय। भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय। विश्व वैष्णव सभा की जय। अनंत कोटि वैष्णव बृंद की जय। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद परम पूज्य पाद पतित पावन परमहंस कूल मुकुट मुनि श्री शील भक्ति विबुध वदन गोस्वामी महाराज वर्तमान पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान का आचार्य पाद सभापति तत्पर समस्त पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाताचार्य नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टत्तशत श्रीशील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का अभय अतुल चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पर अहुत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर सपरिकार सपार्षद रतो शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभयरतुल चरणों में षष्टांग में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिल प्रभुपाद नित्य काल जय जगत हो। सारे गुरु वर्गों का आशीर्वाद कामना करते हुए सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए जगन्नाथ देव का महिमा वर्णन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बहुत ही अदम हूँ, आप लोग कृपा करते हुए आशीर्वाद करें। आज रथ यात्रा का उपलक्ष्य में थोड़ा सा जगन्नाथ का महिमा कीर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों का सभी का कृपा से उसी प्रयास सार्थक हो जाए तो जगन्नाथ जी का कृपा मिलेगा, आप लोगों का भी कृपा मिलेगा। मैं जो कथा बोलने जा रहा हूँ, ये कथा मैंने अस्मदीय गुरुपाद पद्म मेरा जो गुरुदेव है ओम विष्णुपाद अष्टतशत श्री शील भक्ति विबुध वदन गोस्वामी महाराज जी का श्री मुखारविंद से सुना। बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया तरीका का कथा है जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। तो पहला ही रथ यात्रा के बारे में बोलने से ही गुरुवर्गों का जो आदर्श है
सारे गुरु वर्गों ने किस रूप से रथ यात्रा का उद्यापन करते थे उसका बारे में हम लोगों का बहुत ही याद और अनुसरण करना पड़ेगा। देखिए, ये मनुष्य शरीर एक रथ स्वरूप है, हमारा इस शरीर एक रथ स्वरूप है। इस शरीरों का अंग प्रत्यंग, सारे अंग प्रत्यंग और रथ का घोड़े है। और बुद्धि है इस रथ का लगाम है, घोड़े का लगाम होता है। और मन है इसी रथ का चालक है, चलाने वाला। अभी जो चलाने वाला है उनका ठीक करना है, मेरा इस शरीरी रूप रथ को कौन सा पथ में लेके जाना होगा, जहाँ पे सर्वोत्तम लाभ होगा। हम लोग इस संसार में सारे जीव सिर्फ मनुष्य नहीं है, जितने प्रकार जीव विद्यमान हैं सभी जीव हमेशा के लिए हर मुहूर्त एक ही चीज में कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ, जे किससे हम लोगों का ज़्यादा फायदा मिलेगा, इस ज़्यादा सुविधा के लिए हमेशा हम लोग एक दूसरे का साथ, लड़ाई हो, प्यार हो, जो कुछ भी हो, इसके लिए ही तत्पर रहता हूँ। तो जो रथ, इस शरीर रूप रथ को जो चलाएगा, कौन है वो? इस शरीर रूप रथ का चलाने वाला तो मौन है, और उसका बुद्धि है इस रथ का लगाम है, तो चलाएगा। यानी हम लोग गाड़ी का जो ब्रेक होता है, ड्राइवर का ब्रेक है, नहीं तो गाड़ी तो सही ढंग से नहीं चलेगा। तो हम लोग का ब्रेक है बुद्धि है, बुद्धि द्वारा इस शरीर रूप रथ का चलाते हुए कहाँ पे ले जाओगे? कोई सोचेगा तो चला जाओ लखनऊ, चला जाओ राजस्थान, जयपुर, बहुत सारे जगह में, अमेरिका, कनाडा। उदाहरण स्वरूप हम लोग बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन कहाँ पे जाने से हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगा, इस ज़्यादा सुविधा के बारे में जितने समय हम लोगों का पता नहीं, हम लोगों का उसी हमारा मन का अनुसार में ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मेरा यहाँ से दिल्ली लेके जाने से, शायद दिल्ली क्रॉस करके हुए स्वर्ग में जाने से, वैकुंठ में जाने से हमको ज़्यादा लाभ उठेगा। तो मेरा इस शरीर रूप रथ को चलाते हुए स्वर्ग में ले चलो, वैकुंठ में ले चलो, लेकिन वहाँ पे जाने का बाद देखा मेरा लाभ नहीं उठा, तो मेरा सिद्धांत गलत है। इसीलिए पहला ही मैंने बोला, जिन लोगों ने इस शरीर रूप रथ को चलाते हुए सही साफल्य का सौभाग्य का चरम शिखर में, चरम का स्तर में पहुंच चुका है, वो हमारा गुरुवर्ग है। उन लोगों का जो आदर्श है वो अनुसरण करते हुए हम लोगों का इस शरीर रूप रथ को चलाना होगा। तो देखिए, तो जो चलाने वाला है उनका ही निर्धारण करना है, इसका बारे में हमेशा ध्यान रखना। अर्थात दुख शोक हमेशा के लिए हमारा जिंदगी से विदा लेगा, हमारा जिंदगी में हमेशा के लिए आनंद आ जाएगा, जब सही तरीका से लाभ उठा सकता हूँ। लेकिन विचार करना, इस संसार में सारे जीवात्मा का पता है, हम लोगों का आजू बाजू में स्वयं अपने आप का शरीर भी, फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारा आजू बाजू में जितना चीज है
साथ ही साथ आपने आपका शरीर सहित जितना चीज हम लोगों का दिखाई दे रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ क्या होगा, एक दिन ना एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। ये हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग उसी का ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूँ और उसी का ही अपना संस्कार हम लोग उसी में मत हूँ। इतना निमग्न हो गया, हमारा हुश उड़ गया। जो चीज हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक उदाहरण स्वरूप सोच सकता है, आज हमारा जो दादाजी का दादाजी है, उसका जो पापा है, उसका जो पापा है, उसका जो पापा है, हमारा जो पूर्वज है, वो आज हम लोगों का बीच में नहीं है। एक दिन था, ऐसे एक दिन आएगा, मैं भी नहीं रहूँगा। तो यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए जो मार्ग का बारे में वर्णन कर रहा है, वो हमारा इस संसार में परिवर्तन हुआ चीज़ों का बारे में नहीं बोल रहा है। जो चीज़ मिलने से नित्य काल के लिए, हमेशा के लिए हमारा जिंदगी से दुख चला जाएगा, हमेशा के लिए हमारा जिंदगी में आनंद का धारा आ जाएगा, उसी का बारे में वर्णन कर रहा है। तो क्या है, चलिए और आगे जाके सुनता हूँ। हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हुए यही सिद्धांतों में यही सिद्धांत स्थापन कर सकता हूँ। श्री जगन्नाथ देव का मंदिर का जो स्थान है, उसी का नीलाचल कहता है, नीलाचल का नीलाचल धाम अर्थात जगन्नाथ मंदिर जो जगह में अवस्थित है, उसी जगह का नाम नीलाचल है। ये नीलाचल अभिन्न द्वारका है, यानी नीलाचल में जो जगन्नाथ रहता है, उसी जगन्नाथ का हम लोग दूसरी नाम से द्वारकाधीश भी कह सकता हूँ, अर्थात जगन्नाथ द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र। इस द्वारकापुरी ऐश्वर्यमय है। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है जो हम लोगों का शासन करता है, जो हम लोगों का नियंत्रण करता है, जहाँ पे शासन द्वारा, क्षमता द्वारा, जहाँ पे दासत्व का ही मुख है, वहाँ पे जितना कुछ होगा, वहाँ पे शासन द्वारा यानी नियंत्रण करते हुए ही भगवान का सेवा करना होगा। देखिए, जब भी कोई असुर उल्टी सीधे काम किया, द्वारकाधीश कृष्ण आके उनका मार डाला, लेकिन कभी भी नहीं सुना ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कन्हैया लाल ने किसी भी असुर को मारा। लेकिन यहाँ पे माधुर्य रस है, भगवान का मधुर रस से भगवान किसी का उद्धार करना है तो उसका प्रेम देकर उद्धार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों बातों का मिश्र। लेकिन आप लोग पूछ सकता है, हाँ कृष्ण जब छोटा थे कितने सारे असुर गोकुलों में ब्रजधाम में उद्धार किया, लेकिन जब कृष्ण उन लोगों का उद्धार किया तब कृष्ण वासुदेव कृष्ण होकर ही उद्धार किया, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी भी उसमें नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए कहता है धर्मस्य तत्वायम निहितम गुहायम। धर्मस्य तत्वायम, धर्म का जो तत्व है, धर्म का जो कथा है, वो अतीव गोपन है, छिपा हुआ है, वो हर किसी का समझ में आना बहुत ही मुश्किल का बात है। तो हमारा जितना भी महाजन है शास्त्रों में, जितना भी गोस्वामी वर्ग है, उन लोगों का पदार को महाजन ज्ञान गत संता, यानी सारे महाजनों का पथ अनुसरण करने से ही हम लोगों का सही मार्ग मिल सकता है। तो देखिए, तो जगन्नाथ देव का इस ऐश्वर्यपुरी से भक्तों का आह्वान से माधुर्यमय भूमि सुंदरचल गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा का दिन श्री जगन्नाथ देव
पदार्पण करता है। इस गुंडीचा मंदिर का बारे में शास्त्रों में बोला ये साक्षात माधुर्यमय वृंदावन भूमि। तो हम लोग क्या सुना यहाँ से, नीलाचल द्वारकापुरी वहाँ पे होता है ऐश्वर्यमयी लीला, और सुंदराचल अभिन्न वृंदावन ब्रजभूमि वहाँ पे होता है माधुर्यमय लीला। श्रील वासुदेव कर्तिक, वासुदेव घोष कर्तिक रचित एक कीर्तन से हम लोगों का पता है जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, अर्थात जो गौरांग महाप्रभु वही कृष्ण और वही जगन्नाथ देव है। तो इस रथ यात्रा का सिद्धांतों का उपलब्धि करने के लिए हम लोगों का थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा। यहाँ पे बोला चैतन्य चरितामृत में, जे काले करेन जगन्नाथ दर्शन मने भावेन कुरुक्षेत्रे पायासी मिलन। हम लोगों का पता है कृष्ण जी ने जब कुरुक्षेत्र में सारे गोकुलवासियों का ब्रजवासियों का निमंत्रण किया, तो सारे गोकुलवासियों ने कृष्ण का निमंत्रण स्वीकार करते हुए कुरुक्षेत्र में गया। तो देखिए यहाँ पे इस लीला का सूत्र लेते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बोल रहा है, कृष्ण कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने के लिए ब्रजवासियों का निमंत्रण किया, करते हुए ब्रजवासियों का निमंत्रण किया, गोपीगण वहां पे उपस्थित हुआ क्योंकि कृष्ण सुख वहां पे उपस्थित हुआ एवं साथ ही साथ कृष्ण का जो सुख लाभ किया। प्रभु का अंतकरण में कृष्ण विरह भाव उद्भवित था, केवल जो जो समय जगन्नाथ दर्शन करता था वही सब समय कुरुक्षेत्र मिलन भाव वहाँ हृदय उदित होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करते थे जब जब, तब उनका कुरुक्षेत्र का भाव हृदय में प्रकाशित होते थे। विस्तार से बोलने से बहुत दिन बाद कृष्णचंद्र ब्रजधाम का नजदीक आकर सारे ब्रजवासियों का कुरुक्षेत्र में निमंत्रण किया, बुलाया, ब्रजवासी लोगों ने गिया। तो ब्रजवासी लोग ब्रज भाव लेकर कृष्ण का बहुत दिन बाद दर्शन किया विरह भाव से। महाप्रभु राधा भाव अंगीकार करते हुए साक्षात अंतः कृष्ण बहिर गौरांग, जो राधारानी का रंग राधारानी का भाव लेकर स्वयं कृष्णचंद्र कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर आविर्भाव हुआ, तो वही ब्रज भाव लेकर जब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ का उसी नीलाचल धाम में द्वारकापुरी में जगन्नाथ का दर्शन करते थे, उसी भी उसी कुरुक्षेत्र में ब्रजगोपियों का कृष्ण दर्शन जैसा है विरह भाव लेकर, और महाप्रभु का याद होते थे उसी कुरुक्षेत्र में जाके जब कृष्ण का दर्शन किया, ठीक सेम उपलब्धि महाप्रभु का भी हुआ। तो देखिए हम लोग जब राधारानी का प्रदंख अनुसरण करते हुए राधारानी का अनुगत्य स्वीकार करते हुए हम लोगों का सारे गुरु वर्गों का अनुगत्य स्वीकार करते हुए कभी भी समाज जगन्नाथ मंदिर में जाकर जगन्नाथ का दर्शन करता हूँ, हमारा भी इसमें भी ऐसा ही भाव होना चाहिए, मैं राधा रानी का गुरु वर्गों का अनुगत्य स्वीकार करते हुए वृंदावन सुर के कुरुक्षेत्र में आकर विरह भाव लेकर
बहुत दिन बाद कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये रथ यात्रा का दिन वही कृष्ण ब्रजधाम में पदार्पण कर रहा है। तो फिर और भी बताया, कुरुक्षेत्र में मिलन भाव का प्रेम विवर्त विलास में भी विस्तार से वर्णन किया, विवर्त वर्णन किया। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भावों का बारे में मैंने इस विषय में चैतन्य चरितामृत जो कथा चल रहा है, आप लोग मेरा चैतन्य चरितामृत कथा का जो लिंक मिलता है यूट्यूब चैनल से, आप लोगों का चरण में विनती और रूप से निवेदन है, तो बिल्कुल सुनिए। वहाँ पे महाप्रभु का आविर्भाव होने का जो मुख्य कारण है उसका बारे में मैं वर्णन करूँगा, फिर भी यहाँ पे एक बार बोल रहा हूँ। महाप्रभु का अर्थात स्वयं कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का कलयुग में आविर्भाव होने का दो तीन कारण है। क्या है? श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश बान वैवा स्वाध्यय नाद भूत मधुरी मा की दृशम वामदीय सख्यं चास्य मदन भवत की दृशम वेतिलवात तद भवाद्य समजनी शचि गर्भ सिंधु हरिंदह। इसका बारे में वर्णन क्या है? श्री कृष्ण ने बहुत ही कौतूहल से कलयुग में आविर्भाव हुआ, वो कौतूहल में तीन मुख्य है। क्या है? पराधार कृष्ण का प्रणय महिमा की रूप है, इसका बारे में श्रीमती राधा रानी का पता है लेकिन कृष्ण का पता नहीं। तो कृष्ण अपने आप का अवस्थान में रहते हुए इस रस का बारे में आस्वादन करना बहुत मुश्किल का बात है। प्रणय महिमा राधा रानी का पता है, कृष्ण का कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए कृष्णचंद्र राधा भाव अंगीकार करते हुए पहला एक कारण है। दूसरी बोला, वो जो प्रणय महिमा उसमें जो अद्भुत मधुरिमा है, कृष्ण जी का जो अद्भुत मधुरिमा है, कृष्ण जी का प्रणय में क्या मीठा है, उस मिठाई मधुरिमा वहाँ श्री राधा रानी का आस्वादन करता है। कृष्ण जी का बीच में क्या मीठा है, सारे गोपी लोग कृष्ण का दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं, कब कृष्ण का दर्शन मिले, कब कृष्ण के हम लोग का दही दही खा ले, मठा खा ले। तो क्या मधुरिमा है, वो तो आस्वादन श्रीमती राधा रानी ने करती, लेकिन श्रीमती राधा रानी वो आस्वादन करती हुए कैसा क्या आस्वादन करती है दूसरी, और वो आस्वादन करने के बाद उनका भी इसमें जो अनुभूति होता है, अनुभूति वह कैसा है, ये तीन कारण है। तो देखिए इस रूप से जो गौरी वैष्णव गण है, श्रीमती राधा रानी का भाव में भावित होकर सारे सखी गणों का अनुगत्य श्री राधा रानी का मध्यमा करते हुए कृष्ण सेवा करता है, अर्थात गौरी वैष्णव गण ने क्या करते हैं, रथ यात्रा का दिन महाप्रभु जो राधा भाव वही रूप से राधा रानी का जो प्रकाश है, वो सारे महाप्रभु का अनुगत्य में जगन्नाथ के रथ यात्रा उत्सव में योगदान करता है। योगदान करते हुए हमारा परम गुरुदेव ने इसका बारे में और भी अच्छा तरीके से वर्णन किया, क्या कहते थे, सही तो परमानंद पाइनु जहाँ लगी मदन दहने झुरी गेल। देखिए तो
और भी इसका और भी विस्तार से बोलने से लिए कृष्ण दर्शन उत्सव को गोकुलवासियों ब्रजगोपी सकल कुरुक्षेत्र में सामंत पंचक के ग्रहण उपलक्ष्य में गमन करके जो रूप हृदय का भाव प्रकाप की करिए किया था श्री गौर सुंदर भी उसी रूप नीलाचलपति दर्शन में उसी भावी का ही और दूसरी अधिष्ठान है। मैंने इसका बारे में पहला ही बता चुका हूँ। तो हमारा भाव क्या है, गौरी वैष्णव गणों का निकट चरम राधा भाव उपलब्धि करने का महत्वपूर्ण उत्सव है। आज राधा रानी का जो विरह भाव है तो उसी भाव को उपलब्धि करने के एक बहुत ही अच्छा मौका है। और कृष्णचंद्र ब्रजधाम में आ रहा है तो इसीलिए बोला गौरी वैष्णव गण गोपी गणों का अनुगत्य श्री राधा कृष्ण का सेवा करता है करता है तो गोपी भावामृत लाभ करना ही हम लोगों का यानी गौरी वैष्णव जनों का चरम शिखर में जाने का एकमात्र लक्ष्य है। तो क्या करना है, निज इंद्रिय सुख हेतु प्रेम और तात्पर्य और कामेर तात्पर्य सॉरी निज इंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य कृष्ण इंद्रिय कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव बरिय। तो आपने आपका सुख आस्वादन करने के लिए हम लोग जो कुछ भी करता हूँ उसी का काम कहता है और भगवान का सुख के लिए जो कुछ भी करता हूँ उसी का गोपी भाव यानी प्रेम कहता है। भगवान का सुख के लिए जो कुछ करना है वही करना है। तो मैं सारे भक्तों का हृदय में सारे भक्त का चरणों में एक ही निवेदन करते हुए कथा का यहाँ पे विश्राम देना चाहता हूँ। इस भगवमय जगत में मनुष्य देहधारी भगवान का सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा जीव मनुष्य है। रथ यात्रा का अंत नहीं तो अर्थ वह जीव आप इंद्रिय तर्पण छोड़ दो, निज शरीर रूप रथ का मध्य मन चित्त रूप भगवान का ऐश्वर्य मुक्त करते हुए सेवामय नित्य लीला जो भूमि वृंदावन में ले चलो, माधुर्यमय सेवामय नित्य लीला भूमि वृंदावन में ले चलो। हम लोगों का सभी का ही आनंद का अंश है, हम लोग सभी आनंद का अंश है। इस आनंद का प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण वृंदावन श्री कृष्ण का गृह है। श्री कृष्ण हम लोगों का सभी का ही प्रीता है, इसीलिए गृह में प्रत्यावर्तन करते हुए गृह में वापस जाकर आनंदपूर्ण सेवा का स्वीकार करें और अपने आप का भी आनंद करें, यही प्रार्थना है सभी जीवों का। बाह्यिक रूप से जितना भी नाचना गाना उत्सव होता है वो जगन्नाथ का रथ यात्रा का मूल लक्ष्य नहीं है। तो इसी शरीर रूप रथ को चलाते हुए इसी भोगमय जगत का ऐश्वर्य से मुक्त करते हुए हमेशा के लिए जो नित्य सेवामय आनंदमय ब्रजभूमि वहाँ पे लेके जाना है वो कृष्ण का गृह है, सारे जीव का लक्ष्य वही है। तो मैं बार बार आप लोगों का चरण निवेदन करता हूँ, यहाँ पे जाने का एकमात्र रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करते हुए अपना गृहों में
वापस आए। यही प्रार्थना है सब खरीदार में। हरि बोल।